दिव्या बिग बॉस OTT जी। बिकॉज मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए एंड आई गॉट टू नो हर। शी इज सच अ लवली ह्यूमन बींग एंड शी वॉन्ट, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैम दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहेंगी? वरुण के बेस्ट कंपेनियन है। खुशी की बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप, जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी द एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वरुण दिव्या जो है वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वरुण के साथ में भी काफ़ी अच्छा रिलेशन आप लोग शेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट दिव्या फॉर विनिंग द OTT प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड अभी बिग बॉस 15 भी आ रहा है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सलमान सर होस्ट करने वाले, जंगल थीम है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्या होने वाला है, बट बहुत बड़ा धमाका ही होगा। थैंक यू। दिव्या के लिए बोल रहा था यू ऑल हैव टू रूट फॉर हर, तो वी ऑल हैव बीन सपोर्टिंग दिव्या फ्रॉम डे वन। एंड आई थिंक मैंने ना उनके एक दो एपिसोड्स देखे हैं बुक पर जाके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो जब भी मिलता था आई वॉच। एंड आई थिंक शी इज बीन सो गुड, शी सो स्ट्रॉन्ग। एंड एज अ वुमन हम लड़कियों को ना लोग बहुत एकदम सोचते हैं कि अरे, बट नो, वी वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग। लाइक वो अकेली लड़ी है एंड इसके लिए मैं दिव्यांका के लिए भी ये चीज़ कहना चाहूँगी, यू नो, गर्ल पावर मैन, लाइक रियली सीरियसली लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। दिव्या जी जीत गए बिग बॉस। या सो हैप्पी, कंग्रेचुलेशन, सो हैप्पी, कंग्रेचुलेशन दिव्या। मैम प्रतीक के लिए क्या बोलना चाहिए, वो बैग उठा के चले गए थे। हाँ अच्छा किया, बैग उठा के चला गया, अच्छा किया। बट वो नहीं बैग उठाता तो ज़रूर जीतता, बट बैग उठा के सलमान खान वाले शो में आ गया, ये भी एक बहुत अचीवमेंट है। ये और वक्त गुजारने मिलेगा प्रतीक को। दिव्या बिग बॉस OTT जीती हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक वरुण की बेस्ट कंपेनियन है वो। एग्जैक्टली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों के लिए। एंड दिव्या से मैं आज तक एक ही बार मिली हूँ, लेकिन शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सोल, तो आई एम सो हैप्पी दैट शी हैज़ वन द शो। एंड बस यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज मैं वरुण को भी मिलूंगी तो आई एम गोना हग हिम एंड टेल हिम हाउ प्राउड आई एम। थैंक यू। तरीके से दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, वरुण की बहुत बेहतर कंपेनियन है, क्या कहना चाहोगे? जब आपने सुना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लड़की जीते और बहुत अच्छा खेली है। जब वो जा भी रही थी शो में तो मेरी कुछ बातें भी हुई थी, और जब उसको मैंने शो में देखा दिव्या को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब आग है इसमें, स्पार्क है, और वो दिखा मुझे और वो जीती। मेरे को बहुत खुशी है। दिव्या ढेर सारी बताइए बच्चे, बहुत बढ़िया खेला तुमने। थैंक यू। थैंक यू। कभी एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दिव्या के बिग बॉस को जीतने के लिए। कितनी खुशी आपको हुई है दिव्या के जीतने पर, और साथ ही में किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने इस जीत को? 42 डेज का इंतजार मैंने किया था उसको देखने के लिए। अगर ट्रॉफी नहीं भी आती तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 42 डेज का जो जर्नी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जनता ने प्यार दिया एंड जीत गई। मैं काफ़ी खुश था। मैं अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल इन ओ कि वो घर आ चुकी है। एंड थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली थी, रन भाई भी थे वहाँ पर, सो वी ऑल सेलिब्रेटेड रियली वेल, वी ऑल वर रियली हैप्पी। एंड आई जस्ट होप कि जनता उसको और प्लस प्यार देते रहे। वरुण अभी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, तो कितने एक्सपेक्टेशन हम आपसे रख सकते हैं कि दिव्या के बाद हम आपको देखें बिग बॉस हाउस के अंदर? तो एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं आ रहा, मैं शो पे नहीं आ रहा, लेकिन दिव्या जा रही है ऐसी खबरें आई हैं। ये खबरें हमको नहीं आई फिलहाल, तो आपने 45 डेज की जुदाई सही है, और अगर ये घर के अंदर जाती है तो काफी लंबी जुदाई, बहुत लंबी जुदाई यार, ये तो आई थिंक सहन नहीं होगी, बहुत मुश्किल है ये। बट फॉर नाउ आई डोंट नो अबाउट दिव्या, पर मैं तो डेफिनेटली नहीं जा रहा, क्योंकि उस शो के लिए मैं बनाई नहीं हूँ, स्टंट करा लो
कीड़े फेंक दो वो सह लेंगे, वो घर में कुछ लोग सहन नहीं होते, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या, मैं वरुण मिला था तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। आई थिंक बहुत मुश्किल शो है बिग बॉस, यू नो यू सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर दैट टाइटल ऑफ विनर ऑफ बिग बॉस, और यहाँ तो फिर भी फिजिकल एंड मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ इट्स मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, कि टैकल करते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे आप समझते हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, आई मीन डे इन डे आउट यू डू दैट, इट्स नॉट ईजी। और मुझे लगता है बिग बॉस जैसे शो करने के बाद काफ़ी लोग चेंज भी हो जाते हैं, बिकॉज इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो। आई कुछ लोग चेंज फॉर द बेटर, नाम बताना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं, आई जनरली फील कि बहुत यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज फैमिली से दूर रहना 3 महीने, यू नो फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, पीपल आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स। दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कितनी वेल डिजर्विंग लगी आपको? मुझे वो बहुत अच्छा, उनका जो एक जर्नी रहा है पूरे शो में, वो अकेली, ज़्यादातर अकेली ही खेलती रही हैं, और बिग बॉस मैंने भी किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं हमेशा अकेली रहती थी, हर हफ्ते मुझे वोट आउट करते थे, तो एक अकेला जो अकेले इंसान की जो जर्नी होती है सब लोगों के साथ, उनके पार्टनर्स थे तो ज़्यादातर उसकी नहीं थी, तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग contestant and she worked very hard and struggled also quite a lot during the whole journey, so definitely. But Nishu is also my friend, so and I think also Shamita, I also know Shamita, she also did a very 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 good job. Divya Bigg Boss OTT GP, kuch kehna chahenge, kitni well deserving thi wo? I haven't seen actually, so I can't comment, but I'm happy for Varun because Varun mera dost hai, so it's celebration time for Varun. Thank you. Oh yeah, congratulations to Divya Agarwal. She played really very well. In fact, और भी बहुत सारे contestants हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मतलब लगा नहीं था इतना दम होगा, बट है very nice. Gave a tough fight. कितने excited हैं फिर से एक बार TV पर वापस आने वाले सीजन के लिए? तो yes, of course. OTT में नहीं देख पाई, लेकिन कुछ भी क्लिप्स आती थी जो फैंस वगैरह अपलोड करते हैं तो सोशल मीडिया पर वी आर अवेयर, तो वो देख के बड़ा खुश हुई थी. सीजन के लिए हम अवेटिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान सर होंगे एंड ऑफकोर्स नए नए कॉन्टेस्टेंट देखने को मिलेंगे. लिस्ट तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दी है कि वही लिस्ट के लोग आने वाले, बट आई डोंट नो वही है कि फेक है कि क्या है, नो आईडिया, बट वेरी एक्साइटेड. अली भाई, अली भाई, दिव्या जी जीत गए, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? दिव्या अग्रवाल जी जीत गए, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक है, सपोर्ट किया था ना उसको. तो अभी कुर्ती का विनर अनाउंस हुआ है दिव्या अग्रवाल, तो मैं क्या कुछ कहूँगा? कांग्रेचुलेशंस, विनर हैज लिफ्टेड द ट्रॉफी एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए.